नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों आज हम मिथुन राशि की संक्रांति का वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले जो है वृषभ राशि की संक्रांति का वीडियो आप सभी को दिया था, बीच में जो है वीडियो नहीं दे पाया, शेड्यूल बिजी था। एक महीने के बाद आपको वीडियो दे रहा हूँ। वृषभ राशि की संक्रांति दोस्तों मैंने क्या बताया था और क्या हुआ। वृषभ राशि की संक्रांति जो है 15 मई को थी, 15 मई को। आज जो है 15 जून को वृषभ राशि की संक्रांति कंप्लीट हुई। वृषभ राशि की संक्रांति जो है 20 डिग्री की संक्रांति थी, 20 डिग्री की। और ये 20 डिग्री की संक्रांति जो है ये मैंने आप सभी को बुलिस की संक्रांति दिया था, तेजी की संक्रांति दिया था आपको। दोस्तों 15 मई को संडे था, 16 मई को निफ्टी की ओपनिंग जो है 15,845 पे था, 15,845 पे निफ्टी ओपन हुआ था 16 मई को। और 3 जून को जो है 16,793 का हाई मारा था, यानी कि 16 मई से लेकर 3 जून आप देखेंगे तो अराउंड करीब 900 पॉइंट प्लस 900 पॉइंट निफ्टी में जो है वो आप सभी को तेजी का योग मिला। लेकिन दोस्तों आज जो है रूल के हिसाब से 15 मई को, यानी 16 मई को जो ओपनिंग था उससे निफ्टी की आज की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई। आज निफ्टी लगभग 15,692 पे बंद हुआ है, लगभग करीब 150 पॉइंट नीचे में बंद हुआ है। यानी कि संक्रांति बुलिश की थी आपको, करीब 900 पॉइंट संक्रांति में मिला भी, लेकिन दोस्तों जैसा रूल कहता है उस रूल के हिसाब से संक्रांति फेल हुई, उस रूल के हिसाब से संक्रांति फेल हुई। यानी आपका पैसा किसी भी लेवल पे आप बाई किए होंगे 16 तारीख को या 17 मई को, कोई भी लेवल पे आप बाई किए होंगे तो आपका पैसा 3 से 4 गुना, यानी कि 300-400% जो है आपको प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन इतना प्रॉफिट मिलने के बाद भी संक्रांति का जो रूल है वो फेल हो गया। तो ये रहा दोस्तों जो है वृषभ राशि की संक्रांति। दोस्तों मैं 2019 से YouTube पे हूँ और तब से लेके अभी तक संक्रांति का प्रिडिक्शन चाहे मंथली का पूरा सही जाए या तेजी का है तो तेजी का मिला होगा, मंदी का है तो मंदी का मिला होगा, 100% 200% जो है संक्रांति में सबको मिलता ही मिलता है। इस बार जो है ज़्यादा मिला होगा, 300-400% भी मिल चुका होगा आपको, क्योंकि 900 पॉइंट प्लस निफ्टी ऊपर गया था। तो ओवरऑल दोस्तों, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप संक्रांति को फॉलो कीजिए, लेकिन आपको जहाँ भी जो है 50% 100% आपको रिटर्न मिल जाए वहाँ आप एग्जिट कीजिए। पूरे महीने का इंतज़ार आपको नहीं करना है। ये मैं अपने 3 साल से लगातार वीडियो में आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा महीने का इंतज़ार नहीं करना है। जहाँ भी आपको प्रॉफिट मिल गया 50% से लेके 100% तक
प्रॉफिट मिला वहाँ आप एग्जिट कीजिए, फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो ये रहा दोस्तों वृषभ राशि की संक्रांति का। भगवान की कृपा से आप सभी को जबरदस्त सरप्राइज जो है लाभ मिला होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो है अब हम मिथुन राशि की संक्रांति की बात करेंगे। उसके पहले दोस्तों यदि आपको कुंडली की कंसल्टेंसी लेनी है, शेयर मार्केट का योग आपकी कुंडली में है कि नहीं है, तो वो सब के लिए जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे पहले व्हाट्सअप करेंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9870312696। आप मुझे प्लीज कॉल मत कीजिएगा, पहले व्हाट्सअप करिएगा, मैं प्रोसीजर भेजूंगा यदि आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो। तो दोस्तों जो है कुछ लोग पूछते हैं कि शेयर बाज़ार में रोज़ का जो है नुकसान होता है तो क्या करें। तो पहली बात तो दोस्तों आपको जो भी लोग डेली का ट्रेडिंग कर रहे हैं, कॉल पुट ऑप्शन कर रहे हो, वो आप जो है कॉल पुट ऑप्शन को छोड़ दीजिए। महीने में एक बार दो बार आप कॉल पुट कीजिए, शेयर में जो है ट्रेडिंग कीजिए, जो है स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन रोज़ के शेयर बाज़ार से सट्टे से आप बचिए। आपका करियर जो है दिन पे दिन जो है ख़राब होता जा रहा है और फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रोज़ कॉल पुट करते करते यदि आपका समय दो तीन साल चार साल निकल गया तो आप जीवन में आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप दोस्तों कुछ और प्लान कीजिए बिजनेस व्यापार के लिए, शेयर बाज़ार को साइड में करिए, या शेयर बाज़ार के लिए अच्छा आपने टेक्निकल सीखा है, अच्छा यदि आप मान लीजिए फाइनेंशियल ज्योतिष सीखे हैं, कोई भी चीज़ आपने सीखा है और आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, रोज का सट्टा नहीं कर रहे हैं, तब तो आप अपना करियर शेयर बाज़ार में बना सकते हैं। और नहीं तो यदि आप सोचिए कि मैं रोज़ चाहे रोज़ का शेयर ट्रेडिंग ही क्यों ना हो या रोज़ का कॉल पुट ऑप्शन हो और आप सोचिए कि मैं करियर बना लूँगा, तो 90% प्लस लोगों का करियर नहीं बनता है, 10% लोगों का करियर बन सकता है, वो भी जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। कॉल पुट ऑप्शन में जो है यदि आप सोचें कि मैं करियर बना लूं, तो 95% प्लस लोगों का करियर कॉल पुट ऑप्शन में नहीं बनता है। ये मेरा लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा दोस्तों लोग बोलते हैं कि शेयर बाज़ार का सफलता का कोई मंत्र बता दीजिए, तो आज मैं आपको शेयर बाज़ार का सफलता का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जिस दिन आप जो है SGX निफ्टी देखना छोड़ देंगे, पूरी रात का डाउ जोन्स देखना छोड़ देंगे, डाउ जोन्स फ्यूचर देखना छोड़ देंगे, एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट जो भी मार्केट रात को चलती है, SGX निफ्टी डाउ जोन्स फ्यूचर ये सब जब भी आप रात भर देखना आप जिस दिन आपने छोड़ दिया, आप देखेंगे कि धीरे 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 आपको शेयर बाज़ार में सफलता मिलने लगेगी। आप मार्केट बंद होने के बाद पूरी रात जो है 12 एक दो बजे तक डाउ जोन्स देखे, SGX निफ्टी देखे, फिर सुबह ही उठ के 6 बजे SGX देख रहे हैं, रात भर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप ये नोट करके रख लीजिएगा कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। इसमें आप कुंडली को दिखाइए या न दिखाइए कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं आज आपको मूल मंत्र मैंने बता दिया। जिस दिन से आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, ये सब देखना छोड़ देंगे, ये सब देखिए, कभी कभार देखिए, मार्केट को ट्रैक कीजिए, लेकिन जो आपके अंदर जो है उत्सुकता पूरी रात बनी रहती है, टेंशन पूरी रात बना रहता है कि आज आप क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा,
सुबह क्या मार्केट खुलेगा, आपने कॉल लिया है तो मार्केट रात को जो है रेड में चल रहा है तो रात भर नींद नहीं आई, तो ये सब आप लक्षण को समझ लीजिएगा कि आपको सफलता अभी नहीं मिल रही है, आपको लंबा समय लगेगा सफलता मिलने में। जिस दिन से ये सब आपने देखना भूल गए या छोड़ दिए और आप पूरी तरह से फ्री हो के ये सब आप कभी कभार देखेंगे तो आप शेयर बाजार में पोजिशनल ट्रेडिंग में ज़रूर सफल हो जाएंगे। ये रहा दोस्तों जो है शेयर बाजार का सफलता का जो है मूल मंत्र जो है ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो है आज जो है संक्रांति जो है शुरू हो गई है, मिथुन राशि की संक्रांति जो कि 15 जून 2022 टाइम 12 आवर्स 5 मिनट पे ये मिथुन राशि की संक्रांति जो है ये लग रही है, जो कि ये 16 जुलाई 2022 टाइम 22 आवर्स 58 मिनट तक यानी 16 जुलाई तक जो है, 16 जुलाई को सैटरडे है, 16 जुलाई तक ये मिथुन राशि की संक्रांति रहेगी और ये मिथुन राशि की संक्रांति 8 डिग्री की संक्रांति है, 8 डिग्री की संक्रांति है और ये दोस्तों 8 डिग्री की संक्रांति बुलिश की संक्रांति है, तेजी की संक्रांति है। अब आप इसमें जो है जैसा कि आपको पोजीशन कुछ भी लेना है, आज से नहीं दोस्तों मैं 3 साल से कहते आ रहा हूँ, जो भी पोजीशन लीजिए आपको 50% 100% आपको जहाँ भी रिटर्न मिल जाए 50% मिल गया आप वहाँ से जो है एग्जिट करिए। यदि आप जो है 50% का टारगेट लेके चलेंगे तो आप 3 साल का मेरा संक्रांति का वीडियो देख लीजिए, महीने में पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, कभी कभार साल में 1-2 बार जैसा इस बार भी जो है फेल हुआ रूल के हिसाब से, लेकिन परसेंटेज वाइज यदि आप रिटर्न देखेंगे तो 3 साल में 1 भी संक्रांति का प्रिडिक्शन फेल नहीं हुआ है। यदि आप परसेंटेज लेके चले, आप जो है कॉल ऑप्शन लिए जो भी लिए, 50% का रिटर्न हफ्ते 10 दिन में यदि आपको मिल गया तो आप एग्जिट करके इंतज़ार कीजिए अगला जो है। आप दोस्तों इसमें जो है मिथुन की संक्रांति में टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर और रियल इस्टेट फर्मा पे भी फोकस कर सकते हैं, ये सेक्टर में भी जो है कुछ तेजी का योग बन सकता है। तो मिथुन राशि की संक्रांति दोस्तों जैसा कि बताया बुलिश की संक्रांति है, तेजी की संक्रांति है, भगवान की कृपा होगी तो आपको अच्छा रिटर्न जो है मिल सकता है, ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों मैं हमेशा जो है अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि डेली के सट्टे से बचिए, इससे आपका करियर बर्बाद हो रहा है, आपको कभी भी प्रॉफिट डेली के ट्रेडिंग से नहीं होगा। या जो भी लोग 2-3 साल से बढ़िया सर्विस भी ले रहे हैं, आप देखेंगे कि आप देखिए अपना अकाउंट जो है, आप मेरा वीडियो देखने के बाद अकाउंट को चेक कीजिए कि आज आप 2-3-4 साल से जब से आप कॉल पुट ऑप्शन कर रहे हैं क्या आप प्रॉफिट में हैं। तो 95% प्लस लोग ऐसे हैं जो कि नुकसान में हैं, 5% ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट में हैं। तो दोस्तों चाहे टेक्निकल वाले हों चाहे एस्ट्रो वाले हों, सबका अपना अपना बिजनेस है जो है, सब अपना रोज का सर्विस देते हैं जो है, उनको फीस मिलती है, मैं भी दोस्तों सर्विस देता हूं, लेकिन मैं इसलिए डेली का वीडियो आपको नहीं देता हूं, डेली का वीडियो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन डेली के वीडियो से आप सिर्फ जो है बर्बाद होंगे, प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ मुझे जो है बड़ा प्रॉफिट होगा, मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा डेली के वीडियो से, क्योंकि मेरा चैनल खूब ग्रोथ करेगा और मेरे चैनल में सब्सक्राइबर भी फाइनेंशियल ज्योतिष का, यदि आप चैनल देखेंगे दोस्तों प्योर फाइनेंशियल ज्योतिष का, तो सबसे बड़ा चैनल जो है आप सभी के आशीर्वाद से मेरा ही है।
ज्योतिषियों का चैनल बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो भी प्योर फाइनेंशियल ज्योतिषी हैं उसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं डेली का वीडियो नहीं डालता हूँ, क्योंकि डेली के वीडियो डालने से मैं डेली खुद सही नहीं हो सकता हूँ, तो आपको क्या प्रॉफिट कराऊँगा। लेकिन मेरा चैनल खूब बढ़ेगा, मुझे खूब कमाई होगी और आपको नुकसान होगा, तो उसका जो है पाप मुझे भी आज ना कल लगेगा ज़रूर। क्योंकि डेली का वीडियो देने से, यानी डेली का सट्टा कराना, तो डेली का सट्टा कराने से क्या होगा, हमको लाभ होगा और आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों ये सब मैं नहीं करता हूँ। मेरे भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे 400 प्लस सब्सक्राइबर हैं, वो भी वीडियो देखते हों, तो आप वो भी लोग ध्यान रखें कि प्लीज़ जो है रोज़ का जो है आप मुझे मैसेज ना किया करें कि डेली का ट्रेड क्या करें, कॉल लें कि पुट लें कि क्या लें क्या लें। तो इसलिए दोस्तों, और मैं जो है बीच में जो है अपने मेंबर को ऐड नहीं करता हूँ। मेरा सर्विस 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है। बीच में मैं बहुत ही कम लोगों को ऐड करता हूँ, क्योंकि वैसे भी ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो है हमारे ब्रॉडकास्ट में ऐड हो चुके हैं। और मैं रोज़ का वीडियो बनाऊं तो अभी तो 400 लोग हैं, 4000 भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये सब काम नहीं करना है। क्योंकि रोज़ जो है वीडियो देने से मैं खुद नहीं सही हो सकता हूँ, और जितने भी ज्योतिषी हैं उनको भी पता है, सब हमारे मित्र हैं, वो भी रोज़ सही नहीं हो सकते हैं, उनको भी पता है कि हम सही नहीं हो सकते हैं। न तो कोई टेक्निकल रोज़ सही हो सकता है, न तो रोज़ कोई अस्ट्रो सही हो सकता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में अस्ट्रो भी बहुत सही है, टेक्निकल से हजारों गुना ज़्यादा अस्ट्रो सही है, और टेक्निकल भी खूब अच्छा सही है जो अच्छा टेक्निकल सीखे हैं। तो दोस्तों आप कोई भी सीखिए, ज्ञान थ्योरी सीखिए, टेक्निकल सीखिए, अस्ट्रो सीखिए, लेकिन जो भी सीखिए उसको साल दो साल सीखिए, फिर उसको जो है आप उसको जो है अपने सर्विस में जो है उसको अप्लाई कीजिए। दोस्तों हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो है आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया हुआ है। अब दोस्तों हमारा ये डिस्क्लेमर है कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा और मेरा चैनल आपके कोई भी नफे और नुकसान से लेना देना नहीं है। ये मेरा प्योर एजुकेशनल बेस्ड चैनल है, मैं कोई भी टेक्निकल टूल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं प्योर ज्योतिष से अपना व्यू देखता हूँ। दोस्तों जो भी लोग डेली के सट्टे वाले हैं उनको कोई भी मेरी बात जो है बुरी लगे तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरी बात आपको जो है आज नहीं तो साल 6 महीने बाद, 2 साल बाद आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी कि पंडित जी ने बहुत सही कहा था, मैं पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। जय श्री राम।